given tan A equal to 1 upon root 3. A triangle at right angle at B. A, B, C. A, B, C. Right angle at B. So, tan A equal to kya hota hai? Lal, okay. कक्का से tan A क्या होता है sin cos tan tan का क्या होता है लंब बटे आधार लंब बटे आधार ओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंगल A के लिए बेस क्या होगा 4 एंगल A बेस इज A, B. कौन सा बेस क्या है A और B. तो क्या हो गया? बेस क्या हो गया? A, B. और परपेंडिकुलर क्या होगा? B, C. B, C. तो इसमें tan A दिया हुआ है 1 upon root 3 equal to 1 upon root तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 और बेस क्या हो गया root 3 और एंगल A बेस इज AB इक्वल टू root 3 एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 तो कर्ण क्या होगा कर्ण या फिर हाइपोटेनस और कर्ण इक्वल टू क्या इसके लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं इसको इसमें होता है एच स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कर्ण b परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर प्लस b बेस b आधार a का स्क्वायर तो ये हो गया P क्या है 1 है और ये है आपका बेस क्या है root 3 P है 1 का square plus root 3 का square ये हो गया 1 plus root 3 का 3 root 4 equal to 4 तो K square equal to 4 आ रहा है तो k equal to क्या आएगा? उनका root 2 मतलब कि 2 तो कर्ण क्या होगा? 2 अब इसमें एंगल A B, C. B, C है 1 और A, A, B है. A, B equal to root 3 और A, C equal to 2. Now, we have to solve this sin a cos c plus cos a sin c तो इन सब की वैल्यू फाइंड करनी होगी sin a की cos a की cos a की sin c की cos a की sin a sin c की दो क्वेश्चन है तो sin a
साइन ए इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू लाल बटे कक्का, इससे क्या होता है, इससे पता कर सकते हैं लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस, और लंब को क्या होता है, पी। फोर एंगल ए, फोर एंगल ए, पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, पी इक्वल टू बी सी इक्वल टू वन। और एच, हाइपोटेनस ए सी कॉमन है, एच इक्वल टू ए सी इक्वल टू टू। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए इक्वल टू पी अपन एच मतलब वन अपन टू। अब फाइंड करना है साइन ए कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, कॉस सी लाल बटे कक्का से देखते हैं तो ये होता है साइन कॉस टेन कॉस है कॉस है, मतलब साइन कॉस, कॉस क्या होता है ए बटे के, मतलब कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस, मतलब कि वी, कर्ण एच, हाइपोटेनस। अब फोर एंगल सी, बेस क्या है, फोर एंगल सी, एंगल सी के लिए बेस क्या है, सी के लिए बेस है एडजेसेंट साइड ये है, तो ये हो गया वन, बी सी इक्वल टू वन। और एच क्या है, एच तो सेम ही है दोनों में कॉमन, एच है ए सी इक्वल टू टू। अब ये क्या हो जाता है, कॉस सी इक्वल टू बी अपन एच, बी अपन एच इक्वल टू वन अपन टू, कॉस आ गया वन अपन टू। अब हमको क्या करना है, साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया, प्लस कॉस ए और साइन सी, फिर अब हमको फाइंड करना है कॉस ए, कॉस ए, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटी कर्ण, तो यही होगा आधार बटी कर्ण, मतलब कि आधार बेस अपन कर्ण का क्या है, एच, बी अपन एच। फोर एंगल ए, फोर एंगल ए, बी बेस क्या है, बेस इक्वल टू फोर एंगल ए, बेस क्या है ये वाला एडजेसेंट साइड अंडर रूट थ्री, बेस इक्वल टू ए बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री। और हाइपोटेनस ए सी, ए सी इक्वल टू टू, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, बी अपन एच इक्वल टू अंडर रूट थ्री अपन टू। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन सी, साइन सी इक्वल टू क्या होगा, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर
की कर्ण को क्या बोलते हैं, एच, फोर एंगल सी, परपेंडिकुलर पी इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए और बी, ए बी इक्वल टू रूट थ्री, एच हाइपोटेनस सेम है ए सी दोनों के लिए, ए सी इक्वल टू टू, सो साइन सी इक्वल टू पी अपॉन एच इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू। नाउ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या आई थी, साइन ए की वैल्यू वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू, और कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू आई थी हमारी ए, कॉस सी की वैल्यू वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या थी, कॉस ए की वैल्यू थी रूट थ्री अपॉइंट टू, रूट थ्री अपॉइंट टू इंटू साइन सी की वैल्यू क्या थी, रूट थ्री अपॉन टू। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं वन टू और टू फोर, रूट थ्री का रूट थ्री से करते हैं तो थ्री आता है, टू टू फोर, अब दोनों का एलसीएम लेके फोर, फोर का इधर से वन प्लस फोर का फोर थ्री, फोर अपॉन फोर इक्वल टू वन। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू क्या आती है, वन। इसमें सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए जी कॉस ए और कॉस सी की और साइन ए साइन सी की वैल्यू अभी फाइंड की थी, तो हम पीछे से देखते हैं कॉस ए की वैल्यू क्या थी, कॉस ए की वैल्यू थी कॉस ए इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू, कॉस ए की वैल्यू क्या थी रूट थ्री अपॉन टू, और कॉस सी की वैल्यू क्या थी, कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू थी वन अपॉन टू, वन अपॉन टू माइनस साइन ए की वैल्यू क्या थी, साइन ए की वैल्यू आई थी वन अपॉइंट टू, साइन सी की वैल्यू क्या थी, साइन सी की वैल्यू मिली थी रूट थ्री अपॉइंट टू, रूट थ्री अपॉइंट टू। अब इसको रूट थ्री मल्टीप्लाई करते हैं, रूट थ्री अपॉइंट फोर माइनस रूट थ्री अपॉइंट फोर, तो क्या होता है, जब सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस किया जाता है, वन में से वन तो जीरो आता है, टू में से टू जीरो आता है, रूट थ्री माइनस फोर तो ये जीरो आंसर।